गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 47 केंद्रों पर कुल 10,401 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,105 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,296 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि टीकाकरण के लिए 2 महिला स्पेशल बूथ तथा 2 अभिभावक स्पेशल बूथ के अलावा सीएससी पीएससी सहित 47 बूथों पर शुक्रवार को टीकाकरण कार्य कराया गया, जिसमें 10,401 लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया। सीएमओ ने जनता से अपील किया है कि जो भी लोग सेंटरों पर कोविड का टीका लगवाने जा रहे हैं, कृपया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें तथा 2 फीट की दूरी मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज के दिन हमारे ज़िले में 57 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें कि हमारा 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है। इस तरह से हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एम्स के साथ साथ हमारे सीएससी पीएससी भी वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 20,000 का है। कल हमने 33,000 वैक्सीनेशन कराए हैं और आज चूँकि छुट्टी है, थोड़ी सी लोगों के लोग हो सकता है कि ना आए तो वैक्सीनेशन थोड़ा सा कम हो, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन करेंगे। सर, जनता से अपील है कि कोरोना नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, जब भी जाएं तो मास्क जरूर लगा के जाएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन में जब उनकी बारी आए तभी आएं और वैक्सीनेशन कराएं, भीड़ भाड़ में ना आएं, क्योंकि सबको वैक्सीनेशन कराना है, सबको वैक्सीन हम लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ लगाएं और वैक्सीनेशन कराएं, तो बारी बारी से आएं और वैक्सीनेशन कराएं।